नमस्कार दोस्तों, मैं फन फूड से। आज हम कद्दू पराठा बनाने जा रहे हैं। और कद्दू पराठा गर्मियों में हम ज़्यादातर रायता हम पसंद करते हैं, तो हम आज कद्दू पराठा बनाने जा रहे हैं। इसी तरह आप जो भी रायता बनाना चाहते हैं, बस सिर्फ आप जो भी मेन इन्ग्रीडियंट रहेगा वो ही हमारा डलेगा। बाकी जो हम सामान जो सब्जियों में हम डालते हैं, जो जीरा है, काली मिर्च है या फिर नमक है, ये सारी चीज़ें हम वो यूज़ करते हैं। सिर्फ हमारा जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो बस सिर्फ चेंज हो जाता है, तो हमारा रायता सिर्फ इसी प्रकार बनता है। तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इसमें आज हम कद्दू का रायता बनाने जा रहे थे, तो हमें सबसे पहले ये कद्दू की ज़रूरत है। कद्दू का जो हमारे दही में हम जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये दही, हमने दही ले लिया है। और मैंने ये शुगर फ्री ली है, शक्कर नहीं ली, आप शक्कर ले सकते हैं। ये मिर्ची, नमक, जीरा भुना हुआ है, आप जीरा कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन हल्का दरदरा कर लें उसे, कच्चा भी ले सकते हैं। और ये काली मिर्च और ये हरा धनिया। तो मैं कद्दू का रायता बनाना शुरू करती हूँ। तो हम सबसे पहले कद्दू को हम छील लेते हैं, इसे हम साफ कर लेते हैं कद्दू को। दोस्तों, अगर ज़्यादा कद्दू पका है तो आप इसमें शक्कर ना डालें, क्योंकि हमारे कद्दू में ऑलरेडी मिठास होती है, तो आप इसे नहीं डालें। और जो थोड़ा सा मीठा खाने के शौकीन हैं, तो आप इसमें शक्कर डालें। मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ क्योंकि ये कद्दू हरा है, पूरी तरह पका नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। तो हमारे ये कद्दू हमने यहाँ छील लिया है और इसे हमने साफ कर लिया है। अब इन कद्दू को हम सबसे पहले पानी ले लेते हैं, उसमें हम इन्हें पका लेंगे। ये हमारे कम से कम 10 से 20 मिनट हम कद्दू के टुकड़ों को हम पानी में पकाएंगे। तो मैं यहाँ एक तवेली ले ली जिसमें मैंने पानी ले लिया है, और इसमें मैं ये सारे कद्दू के पीस डाल देती हूँ। अब मैं ये गैस पे से इसे हम गैस पे रख देंगे। ये मैंने गैस ऑन कर दिया है।
दोस्तों हम अभी इन्हें देख लेते हैं, हमें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारी अभी अभी कद्दू भुनने पाए, कम से कम 5-7 मिनट और लगेंगे। ये हमारे दोस्तों हमारा कद्दू ठंडा हो गया है, अब हम इसे रायते अब हम रायता बनाते हैं। सबसे पहले कद्दू हम मैश कर लेंगे। ये हमारा कद्दू हो गया है और हम इसे मैश कर ले रहे हैं। ये हमारा कद्दू मैश हो गया। ये हमारा कद्दू मैश हो गया। हमें इसे पकाने में कम से कम 20 मिनट लगे हैं। आप इसे गैस में भी मतलब कुकर में पका सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब मैं इसमें मैश दही मिला रही हूँ, तो ये मैंने मैश करके रखा था, ये मैं इसमें दही मिला रही हूँ। एक कटोरा ये मैंने दही ऐड कर दिया है। और आप इसमें ताज़ा दही मिलाएं या फिर आप अगर इसमें थोड़ा सा भी खट्टा दही मिलाते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा दही में दूध मिला लें, तो उससे जो आपकी खट्टापन है वो भी कम होगा और दही का टेस्ट अच्छा आएगा। आप इसमें पानी ना मिलाएं, पानी से दही का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप इसमें दूध मिलाएं। और आप इसमें शक्कर मिलाएं, शक्कर की जगह थोड़े से शुगर फ्री मिक्स कर रही हूँ। ये इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। इसमें भुना जीरा, हल्की सी काली मिर्च, हम हरी मिर्च यूज़ नहीं कर रहे इसमें, हमने काली मिर्च यूज़ कर ली है, और हल्की सी थोड़ी सी जो हम हल्की सी लाल मिर्च और काला नमक हमें स्वाद के लिए भी, हमारे टेस्ट को भी बढ़ाता है और हमारे पाचन क्रिया को सही रखता है, तो इसमें हमने हल्का सा काला मिर्च मिला। अभी हम सारी चीज़ें मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए इसमें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप बनाइए और मुझे शेयर करें आपको कैसा लगा, कमेंट्स करें आप मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमारा कद्दू का रायता तैयार है। इसमें मैं गार्निश के लिए धनिया डाल देती हूँ। धनिया मैंने साथ में इसमें पुदीने की पत्ती भी मिक्स की है, तो आपको जो अच्छा लगे। ये हमारा रायता तैयार है।
तेज तेज करते जा रहे हैं। ये मेरा कद्दू पराठा तैयार है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपने अनुभव शेयर करें। थैंक यू।